हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। अब सबसे पहले आम ले लेंगे। ये मैंने 300 ग्राम का आम लिया है, एकदम पका आम है। ये देखिए, ये के छोटा सा कच्चा आम लिया है, ये लगभग 100 ग्राम के आसपास है। अब इनको छील के तैयार कर लेते हैं। एक चाकू की हेल्प से इनको छील लेंगे, या आप छीलने से भी छील सकते हैं। अब ये मैंने छील के तैयार कर लिया है, अब इसका पल्प निकाल लेते हैं। अब इनके छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। ये आम का मैंने पीस बना के तैयार कर लिया है, एक कच्चे आम का भी पीस बना लिया है, लेकिन आधा काटा है, आधा किसी और में यूज कर लेंगे क्योंकि खट्टा बहुत है, इसलिए आधा ही डालना है। अब एक मिक्सर जार ले लेते हैं, इसी में आम के पल्प को डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, 2-3 चम्मच। अब इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसको इसी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब कच्चे आम को भी इसी में डाल लेते हैं। अब इसमें भी 2-3 चम्मच पानी डाल लेंगे, इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। अब कच्चे आम का भी पेस्ट बन गया है, ये देखिए। अब इसको भी इसी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पके आम में कच्चा आम क्यों डाला है? तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि आम बहुत मीठा होता है, तो थोड़ी सी खटास आ जाती है, तो ड्रिंक बहुत टेस्टी लगता है पीने में। अभी मिक्स हो गया है, अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक कढ़ाही रख लेते हैं, आप कोई भगोना भी ले सकते हैं। अभी गैस को ऑन नहीं करेंगे, पहले आम के पल्प को इसी में डालते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी, लगभग 1.25 कप। अब इसको डाल लेते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्रिंक मीठा पसंद करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद करते हो तो थोड़ी सी कम कर लीजिए। अब इसमें डाल लेंगे 1 कप पानी। अब गैस को ऑन कर लेते हैं, गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हाथ बराबर चलाना है, रुकना नहीं है। जब इसी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये देखिए इस स्पैचुला में लग नहीं रहा है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं, अब इसको ठंडा होने देते हैं। अभी मैंगो जूस ठंडा हो गया है, थोड़ा थोड़ा गुनगुना है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। इसको हम बिल्कुल फ्रूटी की तरीके बनाएंगे, पतला सा। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ कि इसको कैसा होना चाहिए। ये देखिए, अब इसको छान लेते हैं। अब एक बॉल में एक छन्नी रख देते हैं, इसी में छान लेते हैं। छानने से जो आम के थोड़े बहुत रेसे होंगे वो निकल जाएंगे। अब इसको इसी चमचे से ऐसे हिला देंगे तो अच्छे से छन जाएगा और रेसे रेसे रह जाएंगे ऊपर। ये देखिए, अच्छे से छन गया है, अब रेसा बाहर हो गया है, इसको हटा देते हैं। ये मैंगो जूस बन के तैयार हो गया है, एकदम लग रहा है ना मार्केट जैसे। ये देखिए, ये एक आम से 1 लीटर जूस तैयार हो जाता है। अब इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ये अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद सर्व करते हैं। 1 घंटे बाद मैंगो जूस को मैंने बाहर निकाल लिया है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये मैंगो फ्रूटी बन के तैयार है,
आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।